हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा बीकॉम सेम का ई कॉमर्स का सब्जेक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ई कॉमर्स का यूनिट वन कवर करेंगे और इस एक वीडियो के बाद आपके यूनिट वन के जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर दिस वीडियो आपको किसी भी और क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस एक वीडियो में आपको निचोड़ बना के देने वाली हूँ। सो फर्स्ट टाइम हम लोग सेकंड सेम के लिए कुछ काम करने वाले हैं, क्योंकि आज तक हमने बहुत सारी वीडियोस तो लाई हैं बट वो फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, फोर्थ सेम, थर्ड सेम ऐसे थी। फर्स्ट और सेकंड सेम के ऊपर बहुत कम काम किया है मैंने, तो अब आप लोगों के लिए वीडियोस रहेंगी, स्टार्ट कर दी हैं। तो यूनिट वाइज मैं आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाऊंगी। एक यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक वीडियो में कवर अप हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपके मैं कुछ डाउट्स जो क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपको ये नोट्स मेरे से लेने हैं, क्योंकि नोट्स जो है अगर आप वीडियो से लेंगे तो बेस्ट रहेगा, बट इफ किसी को पीडीएफ की नीड होती है देन आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करें। और नोट्स ऑन कॉस्ट है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, एक सब्जेक्ट की कॉस्ट हमने 50 रुपीज रखी है। चाहे कोई भी आपको क्वेश्चन की नीड है आपको उसके अंदर वो प्रोवाइड किया जाएगा, बट एक सब्जेक्ट की कॉस्ट 50। ट्यूशन फीस हम लोग कितनी भरते हैं ना, बट 50 देने के चक्कर में बच्चे पता क्या कर रहे हैं आजकल, वो देख रहे हैं कि किसी से मुझे फ्री में पीडीएफ मिल जाए या कोई कम प्राइस में दे दे। तो भाई 50 रुपीज ज्यादा नहीं है, सबसे कम कॉस्ट रखी है और आप ही के लिए रखी है। आप लोग ट्यूशन फीस इतनी भरते हो फिर भी अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ रहा है, दैट्स मीन वहां पर आपको वो चीज नहीं मिली जो आपको एटलीस्ट चाहिए थी। तो अगर आपके साथ कुछ भी, अगर आपने किसी गलत बंदे से पेमेंट करके नोट्स ले भी लिए और कल को आपके साथ कुछ स्कैम हुआ, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी आईडी मेंशन करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं ओरिजिनल और मेरे से ही लेना चाहते हैं, देन आप लोग मुझे ही मैसेज करें इंस्टा पे। किसी फर्दर से अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे पास भी एग्जैक्ट पीडीएफ है, मैं कम प्राइस में, देन आपके साथ अगर कल को कोई फ्रॉड हो गया तो मुझे मत बोलना। पेमेंट्स होनी है ऑनलाइन तो ट्रांजेक्शन में कुछ भी फ्रॉड वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ की सेफ्टी के साथ रहना है, ध्यान रखना है, किसी के भी बहकावे में आके कहीं से भी नोट्स ना ले लेना। बाकी आप लोगों की इच्छा, आपको बाय करने हैं नहीं करने हैं, बट मेरी मोस्टली प्रेफरेंस होती है कि मैं वीडियो में इतनी हद तक आपको क्लैरिटी दे दूं, आपको नोट्स तक जाने की जरूरत ना पड़े। अब वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने क्लियर कर दिया, बहुत सारे बच्चों को लास्ट वीडियोस में डाउट थे कि नोट्स फ्री होंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए, बीकॉम सेकंड सेम का सब्जेक्ट है, ई कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है, यूनिट वन के हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, बेनिफिट्स बताने हैं ई कॉमर्स के, फ्रेमवर्क क्या है ई कॉमर्स का और वेरियस टूल्स क्या है ई कॉमर्स के। ये तो एक क्वेश्चन है जो प्रॉपरली फर्स्ट चैप्टर ई कॉमर्स का बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, राइट इन डिटेल हाउ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम हैज चेंज टू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और इसके चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्वेश्चन के आंसर के बीच में है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसी के क्वेश्चन के आंसर में इस क्वेश्चन का आंसर भी अवेलेबल है। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, आप सिर्फ हेडिंग्स नोट करेंगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी, बाकी आपने गप्पे मारनी है और गप्पे रेलेवेंट मारनी है। ये नहीं है कुछ भी लिख के आ रहे हो, गप्पे रेलेवेंट मारना तभी अच्छे से खासे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, सबसे पहले ई कॉमर्स होता क्या है, जब हम जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सेल्स बाइंग है ना, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। इसमें सिंपली हम बाय और सेल करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को इंटरनेट के ऊपर। इसमें हमें फिजिकल स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं उनके कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स के थ्रू। इट्स लाइक हैविंग अ वर्चुअल मार्केट प्लेस है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, इवन गेट उनकी डिलीवरी भी आपके घर तक कर दी जाती है। सो बिना अपने घर से एक कदम भी बाहर रखे प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है, ऑनलाइन स्टोर्स हैं जैसे अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई, ठीक है। इसके अंदर ई पेमेंट सिस्टम का भी वाइडली यूज किया जाता है। कस्टमर्स कैन फाइंड द वे बट दे वोंट, और कस्टमर्स को जो भी चीज चाहिए होती है या परचेज करनी होती है ऑनलाइन, उनको इजीली सिर्फ एक प्रोडक्ट को सर्च करने तक से ही उनको वो प्रोडक्ट्स शो होने लग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज पे। सो कस्टमर मोस्टली ई कॉमर्स की जो बाइंग और सेलिंग है वो उन्हीं से करते हैं जिनका पेमेंट का सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल होता है, उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि इमीडिएट पेमेंट हो गई, इजी प्रोसेस है। जिसका प्रोसेस ही टफ होगा कि मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर देता हूँ, फिर आईएफएससी कोड देता हूँ, आप मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, नो, डायरेक्ट क्यूआर कोड दो, अगला स्कैन करे और पे करे, इजिएस्ट मेथड। कौन बैंक अकाउंट नंबर डिजिट्स का इतना उसमें फिलअप करेगा। सिंपल ई कॉमर्स के मीनिंग है। आपको आई थिंक ई कॉमर्स का मीनिंग मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाने की ज्यादा कोशिश की है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, जहाँ पे आप अपने गुड्स को सेल और बाय कर सकते हो। ये एक फिजिकल स्टोर नहीं होता है, ना ही आपको फिजिकल स्टोर पे जाने की जरूरत होती है। विद द हेल्प ऑफ योर फोन आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हो बिना कहीं पे भी जाए, मतलब घर से बाहर जाना ही नहीं है। इसकी एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो, ये है, इसमें ई पेमेंट सिस्टम यूज होता है, लोग इजिली अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रेडिशनल कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या था, ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता था, फिजिकली स्टोर्स अवेलेबल होते थे, मार्केट्स अवेलेबल होती थी, मॉल्स अवेलेबल होती थी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सारी इंटरनेट के थ्रू चलते हैं।
फर्स्ट डिफरेंस आई होप आपको क्लियर है, शॉपिंग एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको शॉपिंग करके उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले घर से निकलना पड़ेगा, दुकान तक जाना पड़ेगा, उस स्टोर तक, तभी आप उससे कुछ खरीदोगे, तभी आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा। बट यहाँ पे शॉपिंग कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर विद द इंटरनेट कनेक्शन। आप कहीं पे भी बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं, जस्ट आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, आवर्स ऑफ ऑपरेशन। अगर आप जैसे लिमिटेड जो शॉप्स होती हैं वो कितने तो कितने ओपन रहती हैं, आपको पता है ना, सुबह 10 बजे खुलेंगी, शाम को 9 बजे तक बंद हो जाती हैं। सो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, ओपनिंग आवर्स होते हैं, अगर आपको फेस टू फेस इंटरेक्ट करना है कस्टमर्स के साथ। बट इन ऑनलाइन 24 hours and 7 days अवेलेबल होते हैं, आप कभी भी वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि अगर आप आधी रात को ऑर्डर डाल दें तो आपका ऑर्डर कन्फर्म नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, 24 घंटे ऑनलाइन मार्केट अवेलेबल रहती है। इंटरेक्शन, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता था, आपको फेस टू फेस इंटरेक्ट करना पड़ता था विद द सेल्समैन और कैशियर, और ऑनलाइन में क्या है, आप डिजिटली पेमेंट्स वगैरह कर देते हो थ्रू योर वेबसाइट और एप्स, तो आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इसके अंदर पेमेंट ऑप्शंस क्या थे, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमारे पास पेमेंट ऑप्शंस क्या होती है, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चेक पे कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा। बट इन ऑनलाइन पेमेंट वाइड रेंज ऑफ पेमेंट मेथड्स है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन बैंकिंग, कहीं से भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की सिलेक्शन, अगर हम एक शॉप पे जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास वही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ उसी शॉप पे अवेलेबल हैं, लिमिटेड मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन हमारे उस शॉप में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट इफ वी बाय ऑनलाइन तो हमारे पास लार्जर यानी कि 100 दुकानों का निचोड़ उस एक ऐप में होता है, सभी दुकानों ने अपना मटेरियल उस एक ऑनलाइन स्टोर पे डाला होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान में बैठ के हम सिर्फ उस दुकान के प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, और यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करते ही हमें 100 दुकानों के इकट्ठे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जैसे हमें चाहिए। तो हमें चॉइस ऑब्वियसली इसी में से करेंगे ना, जहाँ ज्यादा क्वालिटी ऑफ या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें से हम लोग अच्छा प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कहीं यहाँ पे मैटर कर जाती है, डिफरेंस कर जाती है। नेक्स्ट, डिलीवरी, अगर आप इमीडिएट किसी दुकान पे जाके वहां से परचेज करते हैं तो आपको इसके लिए ऑब्वियसली ट्रैवल करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, और इसकी डिलीवरी क्या है, अवेलेबल होती है, आप अपने प्रोडक्ट को घर पे मंगवा सकते हैं, आराम से आपके एड्रेस पे उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसकी ओवरहेड कॉस्ट आती है, जो हमारी पुरानी मार्केट्स थी, ट्रेडिशनल मार्केट्स थी, टिपिकली हायर ड्यू टू इसकी जो ओवरहेड कॉस्ट थी वो हायर होती है, क्योंकि जो इनके रेंट होते हैं, यूटिलिटीज होती हैं, स्टाफ को वेजेस देनी है, क्योंकि फिजिकली स्टोर अवेलेबल है। बट इन दिस ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑफ्टन लोअर एज देयर आर फ्यू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऑफलाइन अवेलेबल ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, सिर्फ एक डिलीवरी चार्जेस लगते हैं या वो भी कई बार फ्री होता है, जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ना हमें मैन पावर की जरूरत है, ना हमें रेंट पे करने की जरूरत है, ना हमारा स्टाफ है जिसको वे चीज देनी है, तो ई कॉमर्स में ये सारे ओवरहेड कॉस्ट बच जाते हैं। बट ट्रेडिशनल में वो हायर होते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हैंडल करने के लिए वो बंदे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, जो ट्रेडिशनल में थे वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कैसे होती थी, जैसे ट्रेडिशनल मेथड में बिलबोर्ड्स के थ्रू, फ्लायर्स के थ्रू, टीवी एड्स के थ्रू, ठीक है। बट आज के टाइम में कैसे होती है मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर देते हैं, ईमेल मार्केटिंग होती है आज के टाइम पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं लोग। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, जैसे गूगल पे फर्स्ट नंबर पे रैंक करना, गूगल हमारी इंडिया का आई थिंक फर्स्ट नंबर पे है जिसमें बहुत ज्यादा सर्च की जाती है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आए लोग वहीं पे जाके सर्च करते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई कुछ क्वेश्चन सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट सबसे पहले नंबर पे शो हो, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या है, ये मार्केटिंग के तरीके हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से होती है, यहाँ पे अपडेटेड वर्जन में होती है। सो ये था इसका डिफरेंस, आई होप आपको ये इसका डिफरेंस क्लियर है। पहले हमने ई कॉमर्स का मीनिंग किया, देन हमने उसका डिफरेंस देखा। अब क्वेश्चन में क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स बताया जाए जी, हमें बेनिफिट्स क्या है। और यहीं पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी हमने डिफरेंस किया ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, अब हमें यहाँ पे मतलब कि ट्रेडिशनल जो बैंकिंग सिस्टम था उसने न्यू वाले बैंकिंग सिस्टम में क्या चेंजेस लाए, क्या चेंज हुआ उसके आने से, और यही इसके बेनिफिट्स भी होंगे, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बस ये बैंकिंग के रिलेटेड है, ये थोड़ा दूसरा है, तो आप इसको मतलब कह सकते हैं लिखते वक्त थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे तो ये बैंकिंग का ही क्वेश्चन बन जाएगा, ई कॉमर्स में आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब आपको मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ, रुको, से हमारा क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या चेंज आया ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के आने से, चेंजेस क्या आए और बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। पहला चेंज क्या आया, शॉप एनी टाइम एनीवेयर। जब ई कॉमर्स एग्जिस्टेंस में आया तब आप कहीं पे भी बैठ के शॉपिंग कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ऐसे ही ट्रेडिशनल और जो हमारा आज का बैंकिंग सिस्टम है उसमें चेंज आया, आप कहीं पे भी बैठ के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, है ना। हेडिंग यही रहेगी, अंदर एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगी, आप कहीं पे भी बैठ के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कभी भी अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, अगर बैंकिंग स्पेसिफिकली बोलेंगे। अगर आपको ई कॉमर्स में चेंजेस बताने को बोल दिया देन तो आपके यही पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। सेकंड, मोर चॉइसेस, अब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट, आप किसी भी बैंक में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मोर चॉइसेस अवेलेबल है। ई कॉमर्स में भी कहीं पे भी काम कर सकते हो, मोर चॉइसेस अवेलेबल है। हेडिंग्स नोट डाउन करते जाना,
नेक्स्ट आपको बेटर प्राइजेस मिलते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने चाहते हैं एक प्रोडक्ट की, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए आप उसको सर्च करते हैं तो उस एक प्रोडक्ट की आपको उस ऐप के ऊपर 50 जनों के ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कितने प्राइस तक की चीज़ चाहिए, तो आपको बेटर प्राइजेस के ऑप्शन तक वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। ना कोई क्राउड होता है, ना कोई लाइंस होती हैं, आपको कहीं ना क्राउड्स में लगने की जरूरत है, ना लाइनों में लगने की जरूरत है, सिंपली अपना काम करो और वहाँ से एप्लीकेशन से बाहर आ जाओ। नेक्स्ट इसको कंपेयर करना बहुत ईजी है, आप इजीली इसको दूसरे प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि इस बैंक में फैसिलिटीज मुझे ज्यादा मिल रही हैं, इस बैंक में फैसिलिटीज बहुत कम है, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, ये प्रोडक्ट उसके मायने में कम है। लोगों के रिव्यूज देख सकते हैं कि उस बंदे या उस अकाउंट की सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है, तो कंपेयर करना इजी हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है पेमेंट की, कभी भी आप पेमेंट्स कर सकते हो, और ऑनलाइन बिजनेस में पेमेंट की क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो थ्रू क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, इवन कैश ऑन डिलीवरी, जो भी आपको बेस्ट लगे। और नेक्स्ट क्या है, होम डिलीवरी। अगर आपको कुछ भी काम है या कुछ भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसकी आपकी होम डिलीवरी की जाती है, घर पे आपको प्रोडक्ट देके जाते हैं आके ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स के बेनिफिट में। नेक्स्ट शॉप फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी उसकी शॉपिंग कर सकते हो। देखो अगेन आपको आगे भी यही हेडिंग्स मिलने वाली हैं इस पूरी बुक में, क्योंकि बुक सारी है ई कॉमर्स के ऊपर, ई कॉमर्स का कुछ भी टॉपिक आएगा हेडिंग्स घूम फिर के आएंगी यही, तो कृपया इनको लिख लें। जब मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन आपने वहां वहां करते जाना है। नेक्स्ट आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि आपने क्या खरीदा, खरीदने के बाद वो कैसा प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ, कहीं डैमेज प्रोडक्ट नहीं था, तो आप अपना एक्सपीरियंस, आप मैंने एक बार प्रोडक्ट मंगवाया और वो बहुत अच्छा आ गया, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस क्या था, बहुत अच्छा है ना, तो वो मुझे अच्छा फील करवाती है, सजेस्ट करती है कि आप यहाँ से बाय करो, ठीक है। नेक्स्ट ये गुड फॉर प्लैनेट है, अगर मैं ऑनलाइन बाइंग करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे कहीं पे ड्राइव करके नहीं जाना पड़ेगा, पेपर रसीड्स नहीं लेनी पड़ेंगी वहां से, मैं ऑनलाइन सारा कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये प्लैनेट के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं कहीं शॉप पे जाऊंगी बाय करने वहां पे मुझे एक बिल, पहले तो मेरे को खुद जाना पड़ेगा ड्राइव करके, पोल्यूशन होगा, सेकेंडली वहां से मुझे रिसीट मिलेगी पेपर की, विच इज फॉर हार्मफुल इन्वायरमेंट, जो हार्म करती है, क्योंकि पेपर कहाँ से बनता है, पेड़ों को काटती है ना, आपको पता है ना, तो क्या है ये पूरा इन्वायरमेंट प्लानेट हमारा खराब हो रहा है, तो अगर हम ई कॉमर्स के थ्रू अपने काम करते हैं, निपटाते हैं, तो ये प्लानेट के लिए भी अच्छा है। अब अगर हम बैंक्स में जाते हैं, वहां पे जाके हमें पेमेंट निकलवानी है, पहले एक फॉर्म भरो, पेपर का यूज करो, पूरा फॉर्म भर के दो उनको, और उसके बाद वो देखेंगे कब पेमेंट होगी, कोई पता नहीं है ना। बट अगर यही हम ऑनलाइन करते हैं, विद इन अ सेकंड पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है, कोई पेपर लोड नहीं होता, कोई पेपर वर्क होता ही नहीं है। ये थे कुछ बेनिफिट्स या कुछ चेंजेस, आप हेडिंग्स यही लिख के किसी भी पॉइंट क्वेश्चन को अच्छा खासा लेंथ बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स, क्या फ्रेमवर्क है ई कॉमर्स का, कॉमर्स में यूज क्या क्या होता है भाई। पहले तो यूज होती है एक वेबसाइट या एक प्लेटफॉर्म की, जहां उनको जो जरूरत होती है, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्जन जिसको बोल सकते हो, आपके फिजिकल स्टोर का एक ऑनलाइन वर्जन होना चाहिए। सो पहला फ्रेमवर्क क्या है, वेबसाइट और प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। सेकंड, आपके प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग होने चाहिए, जस्ट लाइक जैसे कि दुकान के अंदर शेल्व्स होती हैं स्टोर के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स जो है वो वेबसाइट पे लिस्टेड होने चाहिए। जैसे अगर दुकान के अंदर सामान पड़ा है तो वो सामान आपका है, वैसे ही अगर ऑनलाइन स्टोर के अंदर सामान लिस्टेड है तो वो सामान आपका है, ठीक है जी। ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन पेज वेयर यू कैन सी इट्स डिटेल, लाइक प्राइजेस क्या है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट की इमेजेस क्या है, तो हर प्रोडक्ट का एक अपना पेज होगा जहाँ पे वो डिटेल्स वगैरह सब शो करेगा। नेक्स्ट फ्रेमवर्क में क्या आता है, इसका शॉपिंग कार्ट, जब आप कुछ फाइंड आउट करते हो कि मुझे बाय करना है और आप वहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देते हो, आपने ऑनलाइन बाइंग की होगी बहुत बार, आप ऐड टू कार्ट या ऐड टू माय लिस्ट कर देते हो, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट्स लाइक पुशिंग अ फिजिकल कार्ट अराउंड अ स्टोर की मुझे कह सकते हैं कि मुझे बाय अभी नहीं करना, फ्यूचर में मैं देखूंगा, तो वो कार्ट जो है ट्रैक करता रहता है आइटम्स को कि किन आइटम्स को आप चाहते हो कि परचेज करना है, पर अभी आपने उनको परचेज नहीं किया है। कार्ड जो है, जो आपने कार्ट में चीजें आइटम्स ऐड की हैं, वो आपकी चीजों को ट्रैक करता रहता है कि कौन सी चीजें आप इन फ्यूचर चाहते हो बाय करना, आपकी उन चीजों को वो ट्रैक करता रहता है। नेक्स्ट फ्रेमवर्क क्या है कि ये चेकआउट करता रहता है, व्हेन यू आर डन शॉपिंग यू गो टू द चेकआउट, हियर यू आर यू रिव्यू योर ऑर्डर, एंटर योर पेमेंट एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन एंड कन्फर्म योर परचेज। आप जो भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, आप रिव्यू देखते हो उस प्रोडक्ट के, क्या बाय करने से पहले आप उस प्रोडक्ट को चेक करते हो ना, ऑनलाइन बाय करने से पहले, तो वही चेकआउट लिखा है। जब आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, आप उसको बाय करना चाहते हो, तो फर्स्ट आप उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज देखते हो क्लाइंट के कि क्या रिव्यूज हैं, देन आप अपने ऑर्डर को कंफर्म करते हो, पेमेंट और शिपिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन वहां पे डालते हो, बट फर्स्टली आप चेक करोगे प्रोडक्ट क्या है। नेक्स्ट आपकी पेमेंट प्रोसेस होगी, जैसे ही आप अपना परचेज ऑर्डर कंफर्म करेंगे, द वेबसाइट जो है वो आपकी पेमेंट को प्रोसेस करेगी, इसमें इन्वॉल्व सिक्योरली आपकी पेमेंट मनी जो है ट्रांसफर होगी आपके अकाउंट से सेलर के अकाउंट में। कॉमन पेमेंट मेथड का यूज इसमें किया जाता है जो कि कस्टमर इजीली यूज करता होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल, डिजिटल वॉलेट्स, ये वाले नॉर्मल, इजी टू असेस,
ठीक है, जिसमें किसी को पेमेंट करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। नेक्स्ट फ्रेमवर्क में क्या आता है कि आपका ऑर्डर, अब आपने पेमेंट कर दिया, अब आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया। आफ्टर पेमेंट इज प्रोसीड सेलर प्रिपेयर, जब आपकी पेमेंट डन हो जाएगी उसके बाद सेलर आपका ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू करता है और उसको देन शिप कर देता है। इसके अंदर इंक्लूड होता है पैकेजिंग, आइटम को पैक करना, डिलीवरी के लिए अरेंजमेंट्स करनी कि कौन डिलीवरी के लिए बॉय जाएगा, आपका एड्रेस उस पर मेंशन करना और प्रॉपरली एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट को, मीलों दूर का प्रोडक्ट आपके घर पे इजीली पहुंच जाता है। बट उसके पीछे कितना सर्कल होता है आपको ये चीज नहीं ना पता, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं सेलिंग का, शिपिंग का, देन पैकेजिंग वगैरह, तो उनको पता होता है कि अभी मैं ना कहीं बहुत बार होता है कि कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो वो प्रोडक्ट जब आता है ना उसके ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट महाराष्ट्र से आया है, ये प्रोडक्ट यहाँ से आया है, बहुत दूर दूर से प्रोडक्ट आते हैं। और हम लुधियाना में स्टे करते हैं तो कितने दिनों का सफर है वो, और वहां से प्रोडक्ट हमारे पास विद इन 2-3 डेज पहुंच जाता है और हमें नहीं पता वो कैसे पहुंचता है ना। तो ऑर्डर फुलफिल होने के बाद सेलर उसको इस पैकेजिंग वगैरह ऑर्डरिंग अरेंज करता है डिलीवरी के लिए कि कैसे वो प्रोडक्ट जाएगा। नेक्स्ट शिपिंग और डिलीवरी के जो भी कॉस्ट होती है, योर ऑर्डर इज शिप्ड टू योर एड्रेस, जैसे कि आपने जो भी डिलीवरी सर्विस, जो भी आपने यूपीएस या फीडेक्स या पोस्टल सर्विस, जो भी उसमें एड्रेस अपना बताया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट जो है आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। आप चूज करने के मतलब कर सकते हो, डिफरेंट शिपिंग ऑप्शंस होती है जैसे स्टैंडर्ड, एक्सपेंडेड शिपिंग, की किस पे शिपिंग करवानी है आपको, प्रोडक्ट अपना जल्दी चाहिए या थोड़ा डिले हो जाएगा तो चलेगा। नेक्स्ट कस्टमर की सपोर्ट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इशू है आपके ऑर्डर के साथ तो आप कस्टमर सपोर्ट हेल्प को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस माइट बी थ्रू ईमेल हो सकता है, फोन हो सकता है, लाइव चैट या वेबसाइट पे, कैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेमवर्क क्या है, रिटर्न और रिफंड्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन यूजुअली रिटर्न इट, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वेबसाइट, दिस वेबसाइट विल हैव अ रिटर्न पॉलिसी, की एक्सप्लेन करती है कि हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, कि अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वेबसाइट्स के ऊपर रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल होती है, विद इन 5-6 डेज आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फ्रेमवर्क क्या है, सिक्योरिटी। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उनको सिक्योर और प्रोटेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। सो ई कॉमर्स वेबसाइट नीड्स टू बी सिक्योर टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसी वेबसाइट के ऊपर आप पेमेंट करोगे, उसी वेबसाइट के ऊपर आप लॉग इन करोगे, तो उन वेबसाइट का सेफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे आपकी भी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। सो दिस इंक्लूड यूजिंग इंक्रिप्शन टू कीप डाटा सेफ एंड सिक्योर, ट्रांसमिशन करते हैं आप, इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी आप लोग वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसका मिसयूज हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो वेबसाइट सिक्योर है, उसको उसने प्रोटेक्शन लगा रखी है कि वो सारा डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके पास से जाएगा सीधा सेलर के पास, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, वेरियस टूल्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कौन कौन से टूल्स का यूज होता है, सबसे पहला टूल होता है वेबसाइट बिल्ड करने का काम। अगर आपके पास वेबसाइट, देखिए अब ये भी फ्रेमवर्क वाले ही पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं पहले वेबसाइट देन शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर, तो आपको पॉइंट्स की हेडिंग को रिमाइंड करना बहुत ईजी रहने वाला है। अगर आप उनको नोट डाउन करेंगे तो आपको मोस्टली हेडिंग सेम दिखेंगी, ठीक है। तो पहला काम क्या है, वेबसाइट को बिल्ड करना। इसके अंदर मटेरियल लिखा, आप इजी टू यूज रीड कर सकते हो, ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट आपने वेबसाइट बिल्ड कर ली, सेकंड काम क्या है, सेकंड टूल कौन सा चाहिए, शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। ये कस्टमर्स को ऐड करने के प्रोडक्ट्स को, अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं ना, तो शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर सेकंड टूल। थर्ड पेमेंट गेटवे का ऑप्शन, पेमेंट्स की अगर ऑप्शन ही नहीं होगा तो अगर आपको प्रोडक्ट भी पसंद आ गया, आपने ऐड टू कार्ट भी कर लिया, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे। थर्ड टूल पेमेंट गेटवे। फोर्थ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये ना हो क्लाइंट ऑनलाइन प्रोडक्ट देख के ऑर्डर कर रहा है और वो प्रोडक्ट आपके पास आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो वो एग्जैक्ट उस पर लिखा आना चाहिए कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ जो CRM, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा यानी कि उसके साथ इंटरेक्ट करेगा कस्टमर, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, कस्टमर को इंटरेक्ट करेगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट शो करेगा, उसको मतलब जो भी कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी हिस्ट्री चाहिए बिजनेस की, वो प्रोवाइड करेगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये उसको अकॉर्डिंग टू जो भी उसको नीड है ना, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेगा प्रॉपरली, जो भी उसके डाउट्स है उसको क्लियर करेगा। नेक्स्ट एनालिटिक टूल, एनालिटिक्स टूल्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपका ऑनलाइन स्टोर कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपके मैट्रिक्स को ट्रैक करना कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कितना कन्वर्जन रेट है, कस्टमर क्या डेमोग्राफिक्स मांग रहे हैं, तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सभी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मदद करेगी कि आपको नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट लाना चाहिए, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, क्या ज़्यादा सेल हो रहा है, किस चीज़ को कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। नेक्स्ट टूल है ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ईमेल जो है स्टिल पावरफुल टूल मानी जाती है एक ई कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म जो है ये बिजनेसेस की हेल्प करता है, जो भी उसकी टारगेटेड ईमेल्स है या कंपेनियंस है, कंपेनियंस होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो कस्टमर तक पहुंचाई जाए। जैसे कि अगर आप लोग बैंक्स वगैरह की मेल्स देखते हो, हमारे पास बेमतलब की मेल्स आती रहती है
है ना। तो ये कंपेनियंस थ्रू ईमेल्स सच एज जैसे कि प्रमोशनल ऑफर भेज देना, कोई न्यूज लेटर भेज देना, प्रोडक्ट की कोई अपडेट दे देना। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर कोई एक एप्लीकेशन ऑनलाइन की हम डाउनलोड कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, तो उसको बे मतलब के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑन डिस्काउंट है, ये इतने डिस्काउंट पे चल रहा है। तो ये कैसे आते हैं? ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल। सोशल मीडिया एक बिग पार्ट है ई कॉमर्स में मार्केटिंग करने का। ये टूल बिजनेस की हेल्प करता है उसको मैनेज करने में, उसके सोशल मीडिया अकाउंट शेड्यूल पोस्ट है जो भी फॉलोअर्स के साथ कैसे एंगेज करना है। तो ये एक टूल है जिसकी हेल्प से सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप ऑटो पायलट मोड पे उसको छोड़ सकते हो और वो ऑटोमेटिकली आपका काम होता जाएगा। नेक्स्ट टूल की क्या जरूरत है? शिपिंग और फुलफिलमेंट सॉफ्टवेयर। शिपिंग, आप प्रोडक्ट अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपके शिपिंग प्रोसेस को हैंडल करे, उसको मैनेज करे। इट जनरेट शिपिंग लेबल्स, इसमें शिपिंग लेबल्स जनरेट किए जाते हैं, पैकेजेस को ट्रैक किया जाता है, डिलीवरी अपडेट्स जो है कस्टमर को दिए जाते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट कोई आ रहा हो, हमने ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया, तो हमें सुबह ही मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट आज आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। मुझे तो बहुत बार ये मैसेज आया, जब भी मैं ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाती हूँ प्रोडक्ट की डिलीवरी शाम को होनी है, सुबह ही कौन बंदा डिलीवर करेगा, उस बंदे का नाम क्या है, उस बंदे का फोन नंबर क्या है, किस डेट को डिलीवरी होगी, सब कुछ मुझे वहां पे अपडेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टूल क्या है? कस्टमर सपोर्ट टूल। प्रोवाइड गुड कस्टमर सपोर्ट इज क्रूशियल इन ई कॉमर्स। कस्टमर को भी कुछ सपोर्ट के लिए टूल चाहिए। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कहाँ पे जाएगा? कोई इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करनी होगी तो कहाँ से करेगा? तो उसके लिए भी एक टूल होना चाहिए। टोटल हमने 10 टूल देखे हैं और 10 के 10 अगर आप हेडिंग्स लिख चुके हैं तो आपको इजीली उसके अंदर गप्पे मारनी आती हैं। बाकी एक बार अंदर वाला मटेरियल मैं पढ़ के नहीं आपको बता रही, बट आपको पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो एक बार उसको रीड जरूर कीजिएगा। अगर आपको 1 घंटे की वीडियो दे रही है तो आप उसको 2 घंटे दे सकते हो ना, अंदर वाला मटेरियल भी पढ़ लो तो आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है ई कॉमर्स का इंडिया के अंदर। ई कॉमर्स क्या है? एक इंडिया में बूमिंग यानी कि बूम कर रहा है, एक जैसे कि एक बिजी मार्केट प्लेस है बट ऑनलाइन। ठीक है, अब इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर बूम कर रहा है यानी कि टॉप पे जा रहा है। तो सबसे पहला इसमें स्टेटस में हम क्या बता सकते हैं कि इसकी वजह से रैपिड ग्रोथ हो रही है, सुपर फास्ट मार्केट्स ग्रो हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रोसरीज टू गैजेट कुछ भी आप लोग फ्यू क्लिक्स के अंदर ऑनलाइन मंगवा सकते हो। सेकंड, मोबाइल शॉपिंग हो रही है तो मोबाइल स्मार्टफोन्स का भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, आप कहीं पे भी अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी मंगवा सकते हो। थर्ड, बिग प्लेयर्स की वजह से, क्योंकि बिग प्लेयर्स कौन है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, इनकी वजह से इंडिया में ई कॉमर्स का सीन काफी हद तक कह सकते हैं बूम रैंक कर रहा है या ऊंचे लेवल पे जा रहा है। तो यहाँ पे वाइड रेंज से लेके प्रोडक्ट्स स्मॉल रेंज तक आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि डिस्काउंट्स भी देते हैं और कस्टमर्स को कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फ्रेमवर्क है कि फ्रेमवर्क में क्या है कि आज के टाइम में ई कॉमर्स एक बूम रैंक कर रही है तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, नए नए ट्रेंड्स आते हैं। तो ई कॉमर्स ये नहीं है कि जस्ट अबाउट कि आपने वहां से स्टफ को बाय कर लिया, यहाँ पे आपको नए नए ट्रेंड भी पॉपअप होते रहते हैं कि कौन सा नया ट्रेंड है, जैसे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी आ गया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ चुकी है, इवन ऑनलाइन मेडिसिन तक आप मंगवा सकते हो। तो ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। रूरल एक्सपेंशन में भी बहुत मदद करता है ई कॉमर्स। इज जस्ट नॉट फॉर सिटी फ्लॉक्स एनीमोर, इट्स स्प्रेडिंग टू रूरल एरियाज टू। जैसे गांव, जो गांव के लोग हैं वो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स तक मंगवाते हैं। रूरल एक्सपेंशन इसका हो चुका है। चैलेंजेस बहुत आते हैं, ऑफकोर्स देयर आर चैलेंजेस टू, थिंग्स लाइक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटिशन कैन मेक इट टफ फॉर ई कॉमर्स कंपनीज। कॉम्पिटिशन ने इसको टफ बना दिया है, बट ये सभी चैलेंजेस को ब्रेक करता हुआ अपनी रफ्तार से बूम कर रहा है। आज के टाइम में जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे या आज से कुछ साल पहले जो लोग इसके अगेंस्ट थे, आज वो भी लोग ऑनलाइन ही प्रोडक्ट्स मंगवाना प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन। इंडियन गवर्नमेंट की भी ई कॉमर्स के ऊपर तगड़ी आंखें हैं कह सकते हैं। विद द रूल्स और रेगुलेशन मेक श्योर करते हैं कि जो भी चीजें सब तक पहुंचाई जाए वो फेयर हो, ये ना उनके साथ फ्रॉड हो। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाए हैं जिसको फॉलो करना एक सेलर के लिए बहुत जरूरी है। सो ये था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेमवर्क, आई होप आपको क्लियर है। फ्रेमवर्क में हमने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है कि आपको इसको प्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। प्रेजेंट स्टेटस क्या है ई कॉमर्स का? आज के टाइम में ई कॉमर्स में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, लोग मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में नए। तो आप इजीली फ्रेमवर्क को विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर पाओगे टॉपिक के साथ लिंक करके। इसी वजह से मैंने इसको विद द हेडिंग्स लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर द सेवरल फैक्टर्स जो कि जो ई कॉमर्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? व्हाट आर द सेवरल फैक्टर्स दैट द लेड टू द एमर्जेंस ऑफ ई कॉमर्स इन द मार्केट, ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं? तो अब आपको पता है ई कॉमर्स कैसे ग्रो हो रहा है। ई कॉमर्स को ग्रो करने में सबसे पहले, ऑनलाइन मार्केटिंग को ग्रो करने में सबसे पहला हाथ किसका है भाई? हमारे फोन में, जो हाथों में जो फोन है उसका, आपके हाथों में स्मार्टफोन है, सबसे पहला काम रोल वो प्ले कर रहा है। इसी की वजह से जो ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग जो है इतना बूम कर रही है, क्योंकि अगर किसी के पास फोन ही नहीं होता तो वो कहाँ से बाय करते। ठीक है, फर्स्ट आपका स्मार्टफोन, सेकंड उस फोन के अंदर जो आप मंथली रिचार्ज करवाते हो, इंटरनेट,
उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बिना आप इसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी। कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से लोग थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स या उसको प्राइजेस को कंपेयर कर पाते हैं, बिना अपने घर से बाहर निकले किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर पाते हैं। ऑनलाइन आपको थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी और अवेलेबिलिटी मिल जाती है, आप प्रोडक्ट्स को इजीली, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उस एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर रेंज आप उस प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हो, आपको डिस्काउंट्स और डील्स भी मिलते हैं। अब टॉपिक क्या बता रहा है कि ग्रोथ में, ई कॉमर्स की ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स ने उनकी मदद की, है ना, ई ग्रोथ की, ई कॉमर्स की जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसको ग्रो करने में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स उसकी मदद कर रहे हैं। डिस्काउंट देना, पेमेंट का सिस्टम का सुविधा होना, पेमेंट, अगर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ना होते तो ये फैक्टर उसकी मदद कैसे करता, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती, सोशल मीडिया ना होता तो वो अपनी रेंज कैसे बढ़ाते, लोगों तक कैसे पहुंचते कि हमारा भी एक पेज है जहां पे हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। सोशल मीडिया होता ही ना अगर सोचो तो, ये सभी फैक्टर्स, कस्टमर के रिव्यू भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पे अच्छा रिव्यू नहीं होगा तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसका ग्लोबलाइजेशन अवेलेबल होना, कोई भी कहीं भी कभी भी बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ये भी फैक्टर उसकी ग्रोथ में मदद करता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, आप प्रोडक्ट्स सर्विसेज, जैसे आपने अपनी फ्लाइट बुक करनी है और जो आपका फूड है उसको ऑर्डर करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है सर्विसेज तक की, सर्विसेज तक आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब ये सर्विस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं है कि मैं आपको फिजिकली आपके घर पे आके दे रही हूँ, सर्विस है कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, ऑनलाइन कोचिंग दे रही हूँ, तो ये सर्विसेज है और सब कुछ ऑनलाइन आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो ये 10 फैक्टर्स हैं जो ऑनलाइन मार्केट को ग्रो करने में मदद करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स और ई बिजनेस। अब ये डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ई कॉमर्स क्या होता है और ई बिजनेस क्या होता है। ई कॉमर्स होता है जो ऑनलाइन मार्केट जहाँ से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बाय या सेल करते हैं। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट किया, उसमें कस्टमर्स का कोई लेना देना ही नहीं है। पहले तो आपको मीनिंग समझना है, ई कॉमर्स जहाँ से हम लोग बाय और सेल करते हैं ऑनलाइन, ई कॉमर्स उसको बोलते हैं। ई बिजनेस किसी बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि पहले बैंकों में कंप्यूटर नहीं थे, अब वो बैंक्स कंप्यूटराइज हो गए तो वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। अब ध्यान से देखना, पहले ई कॉमर्स कैरी आउट कमर्शियल ट्रांजेक्शन ओनली, हमारी ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स में जैसे ऑनलाइन बाय और सेल होता है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है, बट ई बिजनेस में सभी तरह के कंडक्ट, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर, इसके ऊपर कंडक्ट होती है ई बिजनेस में। ई कॉमर्स में क्या है, हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं ऑनलाइन, पर इसमें सिर्फ क्या होता है ई बिजनेस में कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट है, हमारे बिजनेस की प्रेजेंस है ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के बारे में। ई कॉमर्स बाइंग और सेलिंग के ऊपर होता है, बिजनेस सिर्फ बिजनेस है कि आपका बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस है। ठीक है, अब ई कॉमर्स में सब सेट ऑफ ई बिजनेस होते हैं, इट इज ऑल्सो नैरो कंसेप्ट, एक नैरो कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या है, हमने बाय किया, उन्होंने सेल किया, बट ई बिजनेस, अब देखो, एक तो हम है जो बाय कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को, एक वो है जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो पहले ऑनलाइन अपनी दुकान को लेके आए तभी वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस को, फिजिकल स्टोर्स को ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट किया तब ना, तो वो ऑनलाइन बिजनेस जो उन्होंने शिफ्ट किया उसको ई बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे ट्रांजेक्शन आर सपोर्टेड इन ई बिजनेस, तो ये एक सुपर सेट है ई कॉमर्स का, इसके अंदर ट्रांजेक्शन मतलब इसके अंदर पूरा बिजनेस आ जाता है ई बिजनेस के अंदर, और ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ बिजनेस के अंदर जो छोटा सा कंसेप्ट होता है बाय और सेल का वो आता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन जो है लिमिटेड होती है, और इसके अंदर ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती क्योंकि बल्क में स्टॉक्स वगैरह आते हैं बिजनेस में। इसमें इन्वॉल्व यूज ऑफ ओनली वेबसाइट, ई कॉमर्स में हम लोग सिर्फ एक वेबसाइट का यूज करते हैं, इसमें मल्टीपल वेबसाइट्स एंड CRMs एंड ERPs दैट कनेक्ट डिफरेंट बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए अब हमें अगर ऑनलाइन बाइंग करनी है या ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सेल करना है तो एक ही वेबसाइट काफी है, इधर वाली साइड एक ही वेबसाइट का जरूरत है, Amazon अपने फोन में डाउनलोड कर लिया, उसी की हेल्प से हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय और सेल कर सकते हैं। बट अगर हमने अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना है, जैसे अब मुझे अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आना है, पहले मैं अपने बिजनेस को इंस्टा पे लेके जाऊंगी, इंस्टा पे ले जाने के बाद मैं अपने बिजनेस को अमेजोन पे रजिस्टर करवाऊंगी, वहां करवा लिया, देन मैं उसको कहा फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करवा सकती हूँ, देन शॉपिफाई, कितने सारे ऐप्स है जहां पे मुझे हर एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहना पड़ेगा ना, हर कोई अमेजोन तो नहीं यूज करता होगा, डिफरेंट मल्टीपल वेबसाइट्स का यूज होता है। मैंडेटरी, अगर आप देखिए ई कॉमर्स कर रहे हैं तो इसमें इंटरनेट का यूज मैंडेटरी है, बट जब आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ला रहे हैं ना तो आपको इंटरनेट, क्या इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट सब यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट की इतनी बरादरी नहीं हमने कभी सुनी होगी जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, तो आपको इन सब का यूज करना पड़ सकता है। ई कॉमर्स में इट इज मोर रेलिवेंट टू बिजनेस टू कस्टमर, इसमें क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर मोस्टली डील करता है, सेलर होता है, उसके बाद हम कस्टमर हैं, हम ऑनलाइन कुछ भी बाय करते हैं वो हमें सेल करते हैं, बट इसमें क्या होता है, बिजनेस के साथ बिजनेस मैन डील करता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है जी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को ट्रांजेक्शन करता है, तो ये ई बिजनेस है।
ठीक है जी। ऑल्सो कवर एक्सटर्नल और आउटवर्ड बिजनेस प्रोसेसेस, इसके अंदर एक्सटर्नल और आउटवर्ड बिजनेस प्रोसेसेस को भी कवर किया जाता है, और ये सिर्फ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज या और उसके प्रोसेसेस को कवर करता है, इसके अंदर उसकी एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ई बिजनेस के अंदर हमारे पास या बंदे के पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट्स वाले क्वेश्चन करवाए जिसमें पॉइंट थे, तो आप देखिएगा अभी भी वैसे ही पॉइंट्स अगर रिपीट होंगे तो प्लीज हेडिंग्स को नोट डाउन कर लें, क्योंकि बिना हेडिंग्स तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा हमने क्या रीड आउट किया। वेरियस अपॉर्चुनिटीज क्या है ई बिजनेस के अंदर, पहले तो अगर आप ई बिजनेस कर रहे हो, देखो आप परचेज नहीं कर रहे हो, आप बाय नहीं कर रहे हो, आपको सेल करना है, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आए हो ई बिजनेस, तो ई बिजनेस को अगर आप अपने बिजनेस को फिजिकल स्टोर को इलेक्ट्रॉनिकली लेके जाते हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। आप लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, पहली अपॉर्चुनिटी। देन आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हो, आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, मतलब लोगों का कहीं पे भी बंदा बैठा है उसको कोई काम करवाना है तो आप घर पे बैठे उसका काम कर सकते हो, उससे पैसे ले सकते हो, आप ई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, फ्रीलैंसिंग। उसके बाद अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उसको डाउट क्लियर करना है, तो आप कंसल्टेंसी सर्विस भी दे सकते हो, कंसल्टिंग सर्विस, वो आपके साथ कंसल्ट करके आपको उसके लिए पे कर सकता है। देन आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दे सकते हो, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना के प्लेटफॉर्म बना के दे सकते हो, क्योंकि लोग प्लेटफॉर्म्स तक बाय करते हैं, एक इंस्टा की आईडी का प्लेटफॉर्म जनरेट कर देता है कोई बंदा तो उसको आप बाय कर लेते हो, वैसे ही वेबसाइट्स तक बनती हैं और वो भी बाय और सेल होती हैं, तो ये ई बिजनेस है, ठीक है। अब मैं एक बंदा हूँ जो वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, आपको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लाना है, आपको अपनी एक स्पेसिफिक अलग से वेबसाइट चाहिए, तो मैं अपनी वो बनाई हुई वेबसाइट आपको सेल कर दूंगा और एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करूंगा, इसमें कस्टमर कहीं पे भी नहीं है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस डील होती है ऑनलाइन में, ठीक है, ई बिजनेस पे। अब आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लाए हो तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, रिमोट वर्क सोल्यूशंस आपको मिलते हैं, और मतलब आप अपने काम को ऑटोमेटिक मोड पे लगा सकते हो, आपको ऐसे ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट, ई कॉमर्स सॉल्यूशंस दिए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करने में, आपकी वेबसाइट के डिजाइन को मैनेज करने में, पेमेंट प्रोसेस, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती हैं जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आते हैं। सो आई होप आपको ये हेडिंग्स क्लियर हैं, वेरियस अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आते हैं, ई बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई बिजनेस मॉडल क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ई बिजनेस मॉडल इन डिटेल, और बी टू बी जो मॉडल है उसके बेनिफिट्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है ई बिजनेस का। तो पहले तो ई बिजनेस मॉडल अब आपको समझ आ चुका है अच्छी तरह से क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है और प्लान है जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारा बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट होगा। इट्स अ स्ट्रेटेजी जिसमें हम आउटलाइन करते हैं कि कैसे कंपनी क्रिएट हुई, कंपनी की वैल्यूज क्रिएट हुई, जनरेट रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ, कैसे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है या इंटरेक्ट कर रही है ऑनलाइन बिजनेस में या डिजिटल वर्ल्ड में। थिंक ऑफ इट एज अ रोड मैप, जैसे कि एक रोड मैप है जो आपको गाइड कर रहा है कि इसका यूज करके, जैसे इंटरनेट का यूज करके या टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने गोल्स तक को अचीव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला ई बिजनेस मॉडल ये है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है ई बिजनेस मॉडल के, पहले तो जैसे कि अब इसी के अंदर आप इसका मीनिंग इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको 5 मार्क्स में आ जाते हैं कि ई बिजनेस के बारे में लिखो। तो ई बिजनेस में जैसे कि आपने रोड मैप यूज कर लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए आपको ऑनलाइन क्या सेल करना है, व्हाट टू सेल, कस्टमर्स तक आपको कैसे पहुंचना है, हाउ टू रीच कस्टमर्स, क्योंकि अब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन तो ले आए बट कस्टमर्स तक कैसे पहुंचोगे, क्या करोगे, नेक्स्ट आपके कस्टमर्स आपको पे कैसे करेंगे, हाउ कस्टमर्स पे, नेक्स्ट आप प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करोगे और उनकी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कैसे करोगे, और आप एट द लास्ट ई बिजनेस से पैसा कैसे छापोगे, मेन काम है पैसा छापना, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स अगर आपको 5 मार्क्स में ई बिजनेस आ जाता है कि ई बिजनेस को इलेबोरेट करो, तो आप 5 मार्क्स में इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि कॉमन 6 कॉमन टाइप्स ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल के। तो पहला टाइप क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर जो हम लोग ऑनलाइन बाय करते हैं वो डायरेक्टली बिजनेस टू कस्टमर आता है। तो इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हम लोग अमेजोन वगैरह से बाय करते हैं, जो भी हमें शॉपिंग वगैरह करनी है या किसी भी ऑनलाइन स्टोर से बाय करते हैं तो वो सिंपल बिजनेस टू कस्टमर होता है। बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दूसरे बिजनेस को सेल करते हैं, जैसे कि इसके लिए वेबसाइट है अलीबाबा जहाँ पे होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से बल्क में प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है तो प्लीज अच्छे से सुनिएगा। अब नेक्स्ट टूल टाइप क्या है, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे डायरेक्टली दूसरे कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल करता है। तो इसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ईबे पे आप लोग जैसे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को जहाँ पे आप लोग बाय और सेल कर सकते हो, आपके हैंडमेड क्राफ्ट, तो यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर टू बिजनेस, अब इस मॉडल के अंदर इन्वॉल्व होता है कि एक इंडिविजुअल बंदा है वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी बिजनेस को ऑफर कर रहा है, ठीक है। इसमें फ्रीलैंसिंग सर्विसेज होती हैं, फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके लिए अवेलेबल, जैसे कि अपवर्क, फाइवर, जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग या उनकी राइटिंग स्किल्स जो भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा टाइप, बिजनेस टू गवर्नमेंट, अब आप यहाँ पे बिजनेस कोई है गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड कर रहा है यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली सेल कर रहा है, जैसे कि इसके अंदर कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं सॉफ्टवेयर, तो
तो ये सीधा गवर्नमेंट के साथ डील करती है। इसके अंदर वो उसके सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे आप लोग सर्विसेज गवर्नमेंट की कंसल्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, जो भी डाटा मैनेज करना, पब्लिक सर्विसेज, सब कुछ ये सर्विसेज जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे बंदा बिजनेसमैन सीधा गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब गवर्नमेंट हमारे तक कैसे आती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके अंदर पहले तो गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दे रखी है कि हमें हर बार टैक्स पे करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन डील होती है। अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लगाए हैं तो हमें उनको फॉलो तो करना पड़ेगा ना। इसके अंदर गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने जो ये सेवा केंद्र खोले हैं तो हमें वहाँ से सेवा मिलती है ना, जो मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। तो अगर हमें कोई सेवा केंद्र से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेनी है कि गवर्नमेंट की ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, ये वेबसाइट ऑनलाइन है, मुझे यहाँ से काम करना है, तो हमें समझ नहीं आ रहा, बताओ, तो वो क्वेरीज वगैरह भी वहाँ पे हमें सॉल्व की जाती है। अब इसके लिए एग्जांपल्स है कि जैसे एज अ सिटीजन आपको टैक्स पे करना पड़ता है, परमिट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंस के लिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के, तो आपके साथ डायरेक्टली गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट के रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो। तो इसमें तो कुछ आप गप्पे लिख ही सकते हो, गवर्नमेंट आपके साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट करती है, जो मन में आया लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बिजनेस टू बिजनेस और उसके बेनिफिट्स क्या है। बिजनेस टू बिजनेस कैसे डील होता है, हमने ऊपर देखा, बहुत सारे इसके लिए एप्लीकेशंस हैं। बट अब आपको ये 5 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और अलग से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं कि बी टू बी क्या है और उसके बेनिफिट्स। तो आपको बी टू बी के बारे में इजीली लिखना है। अब आप यहाँ पे खुद रीड करोगे, पहले तो बी टू बी क्या है, सेकंड बी टू बी कैसे काम करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बल्क में प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो डेफिनेटली आप इसको रीड आउट कर लोगे। जैसे कि आपको डेस्क चेयर कैबिनेट सेल करनी है तो आप किसी स्कूल या ऑफिस वाले को करोगे जहाँ पे वो बल्क में खरीदेंगे, तो ये कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है बिजनेस टू बिजनेस का। पहला बेनिफिट क्या है, आपको बल्क में ऑर्डर आते हैं, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनते हैं, हायर सेल वैल्यू बढ़ती है क्योंकि बल्क में आप कोई चीज किसी को सेल कर रहे हो। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास, आप कस्टमाइज करके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हो जैसा कस्टमर को चाहिए, क्योंकि वो बल्क ऑर्डर है और जब मैं आपको आपका कोई प्रोडक्ट है उसमें थोड़े से चेंजेस चाहती हूँ और उसकी मैं 1000 क्वांटिटी चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे वो चेंजेस करके दोगे ना, तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन एक अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, तो 5 बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ई बिजनेस का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कैसे ये काम करता है ई बिजनेस, आपको पता है मार्केट की रीच को इंक्रीज करेगा। तो अब इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, पहला इकोनॉमिक आपकी मार्केट की रीच को बढ़ाएगा। ई बिजनेस अलाउ करता है बिजनेसिस को कि कस्टमर्स तक ज्यादा से ज्यादा आपको पहुंचाया जाए, चाहे वो आपके लोकल एरिया इवन देयर कंट्री के हो सकते हैं, तो आपकी मार्केट को वो एक्सपैंड करते हैं ताकि आपकी सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज हो। सेकेंड, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट सेविंग, जब आप ऑनलाइन ऑपरेट करते हो तो कहीं ना कहीं फिजिकल स्टोर से आपको प्रोडक्ट सस्ता भी रखना पड़ता है, सो ऑनलाइन कैन बी चीपर देन रनिंग अ फिजिकल स्टोर, और ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना भी आपको सस्ता पड़ता है। जब हम किसी फिजिकल स्टोर से कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के अंदर वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इंक्लूड होती है, वहाँ पे प्रोडक्ट के जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं ना छोटे छोटे, वो इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है और सेलर को कहीं से तो खर्चे पूरे करने ही होते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट भी सेव करता है। इकोनॉमी पे क्या क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहे हैं ई बिजनेस की वजह से, देखो ना, पहले तो आपकी मार्केट, आप वाइड रेंज में आप सेल कर सकते हो, ऑल ओवर द कंट्री आपकी मार्केट पहुंच सकती है। सेकेंड, आपकी कॉस्ट बचेगी फिजिकल स्टोर की, अब आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना आपको रेंट पे करना है ना आपको स्टाफ चाहिए, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कस्टमर को प्राइस कम पे आप प्रोडक्ट बेच पाओगे, तो आपकी कॉस्ट सेव होगी। थर्डली, आप जॉब क्रिएट कर पाओगे। जॉब्स कैसे क्रिएट करोगे, आप तो बोलोगे ये तो कितनों की जॉब खा जाएगा, नहीं, जॉब्स क्रिएट भी होती हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो पहले वेबसाइट डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, देन डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई चाहिए, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर क्रिएट होती है। ये सिर्फ जॉब्स को खाता नहीं, जॉब्स क्रिएट भी करता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अगर आप ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं तो आप स्ट्रीमलाइंस बिजनेस प्रोसेसेस, मार्केटिंग, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट, उसको बना सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से कुछ रिसोर्सेज का यूज करके वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, इनोवेशन कर सकते हो आप। ई बिजनेस कहीं ना कहीं इनोवेशन को इनकरेज करता है ताकि बिजनेसेस नए नए वेज निकाले कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के, सर्विसेज प्रोवाइड करने के, अब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के कितने ही तरीके इनोवेट कर लिए गए हैं। सो दिस इनोवेशन कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करती है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। आज के टाइम पे सब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, अब ऑनलाइन बिजनेस जो ई बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल है, इंटरनेशनल ट्रेड्स तक आप कर सकते हो, तो इकोनॉमी पे ये असर डालेंगे, डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, असेस टू इंफॉर्मेशन, द इंटरनेट प्रोवाइड बिजनेसेस विद असेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा, तो
इंटरनेट जो है कितने हाई लेवल पे इंफॉर्मेशन और डाटा जो है आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हो जो भी आपके बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगी। आप उस डाटा के बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्या मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या सेल करना है, क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट, आप सब एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। ई बिजनेस लोअर द बैरियर टू एंटर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो भी बंदा अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकता है वो एक एंटरप्रेन्योर है। एनीवन विद द इंटरनेट कनेक्शन एंड अ गुड आइडिया कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। कोई आपको इसमें ये नहीं है, लोड नहीं है कि आपको पहले दुकान खरीदनी है, कुछ करना है। नो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एक गुड आइडिया है, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। सो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो अपने बिजनेस। सो ये थी आज की वीडियो, जिसके हम अंदर हमने बीकॉम सेकंड सेम के ई कॉमर्स के यूनिट वन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे सभी आपके साथ क्लियर किए हैं, सभी आपको समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टा आईडी आपको दिख रही है। नोट्स नहीं भी चाहिए अदरवाइज आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ भी अपडेट्स है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अपडेट्स जैसे आती रहती है एग्जाम्स की डेट शीट वगैरह, तो मैं वहाँ इंस्टा पे शेयर करती रहती हूँ वो अपडेट्स वगैरह, तो आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं। मैं स्टोरीज में आपको सारी अपडेट्स देती रहती हूँ कि क्या सिचुएशन है अभी, कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या होंगे, तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है जी। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप लोग मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मेरी जीमेल आईडी गिवन है। अगर आपको कुछ भी डाउट आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट वीडियो बनाई है बीकॉम सेकंड सेम के ऊपर। आप लोग अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपको ज्यादा ही अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।